हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे मैं बिना मावा और बिना दूध के बनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में अगर न्यू है आप मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए देख लेते हैं किस हलवे को मैंने किस तरह से बनाया है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो गाजर ली है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, आधा चम्मच इलायची का पाउडर लिया है और मिल्कमेड लिया है 200 ग्राम के करीब, 2 से 3 चम्मच देसी घी लेना है। ये हलवा केवल हम मिल्कमेड से बनाएंगे, इसमें खोया और दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगी मैं, तो केवल मिल्कमेड से ही बनाने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच देसी घी लिया है और इसमें मैं गाजर डाल रही हूँ जो हमने कद्दूकस करके रखे हुए थे। और इसे अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसे हमें 15 मिनट के लिए पकाना है, ढककर पकाना है। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है घी के साथ और इसे सॉफ्ट होने तक हमें पका लेना है। तो मैं इसे ढक दे रही हूँ और 15 मिनट के लिए पकाएंगे और हर 3-4 मिनट में एक बार हम इसे चला देंगे, नहीं तो गाजर जल जाएगा। तो मैं इसे ढक दे रही हूँ, मैंने मिक्स कर दिया है घी के साथ अच्छे से और इसे मैंने ढक दिया है। 15 मिनट तक हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे और बीच में जरूर चलाएंगे, नहीं तो हलवा जल सकता है। हलवे को बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो हलवा जल सकता है। फिर 5 मिनट के लिए ढक देंगे। ऐसे करके हमें 15 मिनट तक ढककर पकाना है। गाजर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा इसे सॉफ्ट नहीं करना है, फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो मैं इसमें अब मिल्क में डाल रही हूँ 200 ग्राम। इसमें चीनी का भी यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मिल्क में चीनी है। गैस के फ्लेम को तेज करके इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और थोड़ा सुखा लेंगे। मिल्क में डालने से ये थोड़ा गीला हो गया है, इसे सुखा लेते हैं थोड़ा और उसके बाद हमारा हलवा तैयार हो जाएगा बिल्कुल। साथ में यहाँ पर इलायची पाउडर भी डाल दे रही हूँ ताकि हलवे में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाए। अगर आप कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं अपनी पसंद का तो इस टाइम आप हलवे में डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर हलवे में ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही हूँ, ड्राई फ्रूट केवल मैं गार्निशिंग के लिए यूज करने वाली हूँ। हलवे को अच्छे से सुखा लेना है। यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर डाला है, वो ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो मत डालिए। मिल्कमेड से भी हलवे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है गाजर का, ये देखिए पूरी तरह से सूख गया है ये। इस हलवे को बनाने में मुझे 20 से 25 मिनट लगे हैं। हलवा पूरी तरह से भुन चुका है, अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। अभी चिपक भी नहीं रहा है कढ़ाई में, देखिए। गाजर का इंस्टेंट हलवा तैयार हो चुका है, इसे मैंने बिना दूध और बिना मावे के बनाया है और इसे बनाने में मुझे 20 से 25 मिनट लगे हैं। थोड़े से बादाम लिए हैं मैंने कटिंग करके, तो आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैं इसे गार्निशिंग कर दे रही हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, मिल्क मिट से बना हुआ हलवा बहुत ही टेस्टी है खाने में। लीजिए फ्रेंड्स, गाजर का हलवा तैयार है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।